यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही है, इतनी मेहनत हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी कर रहे हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने नक्सल विरोधी वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जिस प्रकार से रणनीति बनाई है, यही कारण है कि अब अग्रिम कार्रवाई का इंतजार नहीं करना पड़ता और ठोस कार्रवाई होती है और इसका परिणाम भी आता है कि हमारे पास लगातार देश भर के अलग अलग राज्यों से ये नक्सलवादी मूवमेंट एक तरह से आखिरी चरण में पहुंचा है। और जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम अपने कानून के शासन को स्थापित करना और एक कुशासन का अंत करना, मुझे इस बात का संतोष है कि अलग अलग राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश ने भी अपने राज्य के अंदर नक्सल विरोधी आंदोलन में जो हमारा मूवमेंट है, विगत 2 वर्ष में हमने जितना खास कर नक्सलवादी जोरदार नक्सलवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई की है वो पिछले 30 साल में नहीं हुई है, मुझे इस बात का संतोष भी है और भारत सरकार ने भी इस बात को माना। लेकिन जीरो टॉलरेंस के लक्ष्य के आधार पर हम ये चाहेंगे कि ये अपराध पूरी तरह से खात्मा हो और उसी के लिए इसी के साथ साथ विकास के सभी प्रकार के आयाम स्थापित हो, खास करके सुरक्षा, सड़क संपर्क, पर्यावरण, दूर संचार और अन्य अन्य प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना, जिससे सामान्य जनजीवन में विश्वास बढ़े और एक तरफ केवल कठोर कार्रवाई नहीं, पुनर्वास की दृष्टि से भी जो नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं वो आकर के अपना जीवन में बदलाव चाहते हैं और वो हमारे विकास के मामले में कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, तो इस तरह से भी माननीय गृह मंत्री जी का आज बैठक में मार्गदर्शन मिला और हम इस दिशा में भी काम करेंगे कि हम नेस्तनाबूद करेंगे कुल मिलाकर किसी हालत में, और ये जो नक्सलवादी गतिविधियाँ इनके माध्यम से अव्यवस्था या कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं मिलेगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium. Thank you.